माध्यम से क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें आप देखिए क्या क्या हम बताएंगे। टेलीमार्क, वर्ग चिन्ह, परिसर, पूरक कोण और संपूरक कोण। तो टेलीमार्क क्या है, ये 5 है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ देखिए ये 5, ये टेलीमार्क कहलाता है। अगर 4 हमें लिखना हो तो 1, 2, 3, 4, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। अगर हमें 12 का अगर टेलीमार्क लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 2, ये है टेलीमार्क। इस चिन्ह को ही टेलीमार्क कहा जाता है। 9 क्लास में अक्सर है ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि 12 का टेलीमार्क कैसे लिखेगा, तो इस तरह से आप लिखेगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, अगर 20 से 25 के बीच में ये क्लास इंटरवल दिया रहता है और इसका मिड वैल्यू निकालना रहता है, तो इसे क्या करते हैं हम, ए प्लस बी बाई टू, यानी ए जो है 20 है, बी जो है 25 है। अब क्या करेंगे, 20 प्लस 25 ये जोड़े करके दो से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ये दोनों जोड़ने पर 45/2, अगर इसे हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22.5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। यानी वर्ग चिन्ह में जो क्लास इंटरवल होता है वो दोनों को जोड़ करके दो से भाग लगाते हैं और जो आंसर आता है ये वर्ग चिन्ह कहलाता है। अब हम आपको परिचित करवा रहे हैं परिसर से। परिसर में क्या है, जैसे देखिए 3, 5, 7, 4, 2, 9, 11, ये अगर एक काउंटिंग नंबर दिया रहता है तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि सबसे मिनिमम नंबर क्या है, और सबसे मिनिमम नंबर यहाँ पर देखिए क्या, 3, 5, 7, 4, 2, 9, 11, सबसे मिनिमम क्या है 2 और सबसे अधिक क्या है 11। सबसे पहले इसको हम पता करते हैं, उसके बाद देखिए सबसे अधिक क्या, परिसर यानी रेंज का फार्मूला होता है, परिसर रेंज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, यानी मैक्सिमम नंबर हमारा कितना आ गया 11 और सबसे छोटी संख्या क्या आ गया 2, 11 में 2 गया तो 9। यानी रेंज निकालते समय सबसे पहले हम देखते हैं कि जितना भी आंकड़ा जो दिया रहता है, काउंटिंग नंबर जो दिया रहता है, इसमें सबसे अधिक नंबर कौन है और सबसे कम नंबर कौन है। मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को जो हम लोग हटाते हैं, 11 माइनस 2 इक्वल टू 9, तो सबसे अधिक क्या है 11 और सबसे कम क्या है 2, ये दोनों घटाने पर जो संख्या आती है वो हमारा रेंज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पूरक कोण। कभी कभी क्या रहता है एग्जाम में कि बोलता है 90 डिग्री का पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालिए, कोण 90 डिग्री का, 50 डिग्री का यहाँ कीजिए, क्योंकि 90 देखिए कपलमेंट एंगल क्या होता है, यदि दो कोण मिल करके 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो वो पूरा कहलाता है। तो अगर हम 50 डिग्री का पूरा कोण बनाएंगे तो 50 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 90 से हम क्या करेंगे 50 हटा देंगे, यानी कितना डिग्री आ जाएगा 40 डिग्री। पूरा कोण अगर निकालना हो तो हम किससे घटाएंगे, 90 से। उसके बाद हम आपको परिचित करवा रहे हैं संपूरक कोण से। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, यदि दो कोण मिल करके 180 डिग्री बनाता है तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 80 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल यानी संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा 100 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज का वीडियो में मैंने आपको टेलीमार्क, वर्ग चिन्ह, परिसर, पूरक कोण, संपूरक कोण, टेलीमार्क, मिड वैल्यू, रेंज, कॉप्लीमेंट और सप्लीमेंट बताया, जो अच्छी तरह से आप लोग को समझाया गया है, लोग रिवीजन करें। थैंक यू।